गाइस आप गेम के अंदर वापस से पोरिंग पे टिटन आने वाला है। आप कैसे आएगा और कैसे आप लोग इस पेट को वापस ले सकते हो, इसके बारे में आप लोग एक मजेदार अपडेट देने वाला हूँ आज के वीडियो के अंदर। साथ में गाइस आप लोग को OB44 अपडेट के रिगार्डिंग कुछ इन गेम चेंजेस के बारे में पता चलेगा आज के वीडियो के अंदर। और गाइस नेक्स्ट मैजिक क्यूब स्टोर के रिगार्डिंग आप लोग को और भी कुछ न्यू अपडेट यहाँ पे मिलने वाला है। सो पूरा वीडियो को जरूर ध्यान से देखना, आप लोग को सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और चैनल पे नए हो तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को जरूर लाइक कर देना। तो चलिए गाइस आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे बात करते कि पोरिंग पेट कब तक रिटर्न आएगा और कैसे आप लोगों को मिलेगा। तो यहाँ पे कल के दिन मैंने आप लोगों को ईवो एक्सेस के बारे में बताया था, जिधर से आप लोगों को बहुत सारे एक्सेस मिलेगा। लेकिन गाइस यहाँ पे आप लोगों ने फ्री पेट पैक को क्या ध्यान से देखा है? अगर नहीं देखा तो अभी ध्यान से देख लो। इस वाले इमेजेस के अंदर पोरिंग पेट को रखा गया है। तो जी हाँ गाइस, अगर आप लोग यहाँ पे पोरिंग पेट को लेना चाहते हो वो भी टाइमिंग के लिए, तो भाई आप लोगों को ईवो एक्सेस को लेना पड़ेगा। आप लोग ईवो एक्सेस भाई ये पोरिंग पेट को लेने में मदद करेगा। मतलब अगर आप लोग पोरिंग पेट को लेना चाहते हो तो भाई आप लोग को ईवो एक्सेस मतलब इवोल्यूशन पास को लेना पड़ेगा। लेकिन भाई ये जो पोरिंग पेट है आप लोग को परमानेंट नहीं मिलेगा। आप लोग जितना दिनों का ईवो एक्सेस लेंगे उतना दिनों के लिए आप लोग को पोरिंग पेट मिलेगा। मतलब देख रहे हो गाइस यहाँ पे इवोल्यूशन पास मतलब ईवो एक्सेस को सेल करने के लिए कितना क्या दिमाग लगाया है गैरिना वालों ने। बाकी गाइस आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोग पोरिंग पेट के लिए ये वाला इवोल्यूशन पास को खरीदेंगे। लेकिन गाइस यहाँ पे पहला एक्सपीरियंस लेने के लिए भाई इसको तो पहली बार जरूर परचेस करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 100 डायमंड भी फ्री में मिलेगा पहली बार लेने में, तो इसको जरूर ले लेना। और अभी गाइस मैं आप लोग को इन गेम बीआर का कुछ चेंजेस बताने वाला हूं जो OB44 अपडेट के बाद आएगा। तो अभी के टाइम गाइस अगर आप लोग बीआर मैच खेलते हो और जो सब गन को हम लोग अपग्रेड चिप से अपग्रेड कर पाते हैं तो वो सब गन आप लोग को जीरो लेवल का मिलता है। लेकिन OB44 अपडेट के बाद मतलब 17 अप्रैल से जब भी आप लोग बीआर मैचेस खेलेंगे तो गाइस आप लोग को यहाँ पे जो अपग्रेड वाला गन है वो आप लोग को एक लेवल का मिलेगा। मतलब चिप अपग्रेड वाला जो गन है अभी अपडेट के बाद से आप लोग को एक लेवल का ही मिलेगा, जो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो। ये वाला अपडेट कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताना। और एक लेवल का गन मिलने के बाद फिर आप लोग और भी अपग्रेड चिप लेकर इसको 3 लेवल का भी कर सकते हो या 2 लेवल का भी कर सकते हो, बाकी आपका मर्जी है। तो अपडेट के बाद चेंज आ जाएगा। और गाइस अभी के टाइम अगर आप लोग कोई भी गाड़ी यूज करते हो तो उसमें फ्री लुक वगैरह जो फीचर है उसको ऐड कर दिया गया है। ये बहुत ही दिक्कत करता है गाड़ी को चलाने के टाइम। बट गाइस यहाँ पे अपडेट के बाद जो फ्री लुक वाला फीचर है गाड़ी के अंदर इसको रिमूव कर दिया जाएगा और गाड़ी को आप लोग कैसे रोटेट करके और नहीं देख पाओगे कि कैसे क्या हो रहा है। तो मेरे ख्याल से गाइस ये वाला फीचर रिमूव होना ही सही है, क्योंकि भाई जब भी गाड़ी यूज करते हैं उसको कंट्रोल करने में भाई बहुत ही दिक्कत होता है। आप लोगों को क्या लगता है जरूर बताना। और गाइस अभी जो अपडेट देने वाला हूँ ये अपडेट होने वाला है सुपर इवो गन्स को लेकर। तो गाइस अभी के टाइम हमारे गेम के अंदर 2 सुपर इवो गन अवेलेबल है एंड इनका एक फीचर है कि फाइनल शॉट जब भी आप लोग किसी लास्ट बंदे को मारते हो तो यहाँ पे एक फाइनल शॉट का एनिमेशन आता है। लेकिन अभी OB44 अपडेट के अंदर इस फाइनल शॉट पे एक चेंजेस आने वाला है। अभी अगर आप लोग किसी भी स्क्वाड के लास्ट मेंबर को मारते हो तभी जाके गाइस आप लोग के फाइनल शॉट देखने को मिलेगा। मतलब किसी भी एनिमी को वाइप आउट करोगे तो आप लोग को ये फाइनल शॉट एनिमेशन मिलेगा। पहले तो क्या होता था, पूरा मैच खत्म होने के बाद जो आखिरी बचता था उस टाइम आता था, लेकिन अभी स्क्वाड के मेंबर को मारने के बाद आएगा। और जिनका भी सुपर गन यहाँ पे पूरा मैक्स है अभी तो उन लोग का मजे मजे होने वाले, क्योंकि भाई अभी हर स्क्वाड को मारने के बाद और वाइप आउट करने के बाद उनको ये एनिमेशन मिलने वाला है। और अभी गाइस जो आप लोगों को चेंजेस के बारे में बताने वाला हूँ ये शायद आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। ये अपडेट होने वाले गाइस फ्रेंड लिस्ट को लेकर। अगर गाइस हम लोग एक साथ बहुत सारे प्लेयर को एक साथ डिलीट करना चाहते तो भाई पॉसिबल नहीं होता है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है एक एक करके डिलीट करने में। लेकिन अभी अपडेट के बाद एक नया सा फीचर आएगा जिसका नाम है फ्रेंड डिलीट फीचर। तो इसका क्या काम होगा, आप लोग के यहाँ पे फ्रेंड लिस्ट के अंदर जिसको डिलीट करना होगा आप लोग एक साथ उनको सिलेक्ट कर पाओगे और एक साथ डिलीट कर सकते हो। तो अभी एक एक करके फ्रेंड डिलीट करने का दिन खत्म होने वाला है, एक साथ डिलीट करने का भी मजा ही कुछ आने वाला है। आप लोगों के वाला फीचर जान के कैसा लगेगा कमेंट करके जरूर बताना। और अभी गाइस जो मैं आप लोग को अपडेट देने वाला हूँ ये होने वाला है ग्लोवल के रिगार्डिंग अपडेट। तो गाइस अभी के टाइम अगर आप लोग गाड़ी के पास बैठ के यहाँ पे ग्लोवल लगाने की कोशिश कर तो भाई यहाँ पे ग्लोवल लगता नहीं, लेकिन OB44 अपडेट के बाद आप लोग गाड़ी के आजू बाजू या इसके ऊपर भी बैठ के रहो तो भाई यहाँ पे आप लोग ग्लोवल लगा पाओगे। तो इस वाले फीचर की भाई सभी लोगों को बहुत ही जरूरत था, क्योंकि ऐसे टाइम पे भाई यार ग्लोवल लगता नहीं और इनमें मार देता था। तो फाइनली अभी OB44 अपडेट के बाद ये वाला फीचर आ जाएगा। और गाइस अपडेट के बाद मैप की कुछ जगह पे चेंजेस किया गया है, अभी वो कौन कौन सा चेंजेस है चलिए उनका भी अपडेट दे देता हूँ। तो गाइस ये चेंजेस होने वाले हैंगर पे। तो अभी के टाइम ये जो दो आप लोग सीढ़ी की पोजीशन देख पा रहे हो इन सब पोजीशन को अपडेट के बाद चेंज किया जाएगा। OB44 अपडेट के बाद इन सीढ़ी की जो पोजीशन है ये कुछ सामने की तरफ आ जाएगा, अब ये साइड में नहीं रहेगा, तो क्लास स्क्वाड के लिए भी सेम रहेगा। तो जो लोग भी ऊपर जाना चाहता है इनमें के सामने से होके गुजरना पड़ेगा। और गाइस इन दोनों घर के अलावा भी इसके सामने और एक जो घर है उसके सीढ़ियों में भी चेंजेस किया गया है। तो अपडेट के बाद इनका लोकेशन आप लोग देख पा रहे हो कुछ इस टाइप का होने वाला है। तो जी हां गाइस एक सीढ़ी का पोजीशन पीछे की तरफ आएगा, दूसरा लेफ्ट साइड पे आएगा। पहले तो भाई सीढ़ियों का पोजीशन कुछ इस टाइप का था जैसे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो। इसी के साथ में आप लोग इस जगह पे देखो एक चीज तो यहाँ पे मिसिंग है, जो है भाई एक पेड़। तो जी हाँ भाई OB44 अपडेट के बाद इस पेड़ को यहाँ पे हटा दिया जाएगा एंड इसके जगह पे यहाँ पे कंटेनर को रखा जाएगा। यहाँ पे रियल लाइफ पे होता है कि पेड़ बचाओ और अपना जीवन बचाओ, और यहाँ पे भाई होगा पेड़ हटाओ और कैंप
कैंपिंग करने वाला जगह बचाओ। तो OB44 अपडेट के बाद ये सब जो इन गेम चेंजेस आने वाले, आप लोग के सब अपडेट जान के कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अभी बढ़ते हैं हमारे अगले चेंजेस की तरफ। और गाइस अभी OB43 अपडेट के टाइम आप लोग को यहाँ पे FF कॉइंस रिवाइव या कोई भी एयरड्रॉप लूटना हो तो आप लोग को गाड़ी से उतर के फिर आप लोग ये सब काम कंप्लीट करना होता था, और इस बीच भाई इनमें आके इजीली मार देता था और आप लोग भाग भी नहीं पाते थे। लेकिन OB44 अपडेट के बाद अभी आप लोग गाड़ी से बैठ के यहाँ पे FF कॉइंस को कलेक्ट कर पाओगे एंड यहाँ पे आप लोग को उतरने की जरूरत नहीं है। साथ में आप लोग यहाँ पे सुपर एयरड्रॉप को भी लूट कर पाओगे। साथ में आप लोग गाड़ी पे बैठ के यहाँ पे रिवाइव पोर्टल पे आप लोग आपके फ्रेंड को भी रिवाइव कर सकते हो। तो OB44 अपडेट के बाद भाई गाड़ियों के रियरिंग ये नया सा फीचर आने वाला है, आप लोग ये सब अपडेट जान के कैसा लगा जरूर बताना। और ये सब चेंजेस की वजह से गेम प्ले करना मुश्किल हो गया या बहुत ही अच्छा लगेगा या बहुत ही इजी होने वाला है, अभी ये तो जरूर बताना आप लोग। और अभी बढ़ते गए हमारे अगले अपडेट की तरफ। ये अपडेट होने वाले गए हमारा प्रोफाइल को लेकर। अगर गए आप लोग आपके प्रोफाइल के बायो पे यहाँ पे पेड पुश या आप लोग हैक्सेल करते हो, इनकी रेटिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिख के रखते हो, तो गए आप लोग को 3 स्टाइल पे यहाँ पे पनिशमेंट मिलने वाला है। अभी कौन सा 3 स्टाइल है चले मैं आप लोग को बता देता हूँ। लगभग 90 डेज के लिए आप लोग का बायो को हटा दिया जाएगा, आप लोग वहाँ पे कुछ भी लिख नहीं पाओगे, और लगभग 14 डेज के लिए आपका अकाउंट यहाँ पे बंद रहेगा, मतलब बैन कर दिया जाएगा। और आप लोग को बीआर और सीएस में ब्रॉन्ज रैंक में उतर दिया जाएगा और लगभग आपको रैंकिंग से भी हटा दिया जा सकता है। और इसके बाद फिर भी आप लोग यहाँ पे रूल ब्रेक करते हो तो आप लोग को यहाँ पे परमानेंट सिग्नेचर लॉक हो जाएगा, मतलब आपका बायो को परमानेंट लॉक कर दिया जाएगा एंड आपका आईडी 30 दिनों के लिए बैन कर दिया जाएगा। और बाकी गाइस आप लोग को यहाँ पे रैंक से तो रिमूव कर दिया जाएगा, इतना तो पहली बार भी हुआ था और अभी भी होगा। और तीसरी बार यहाँ पे रूल ब्रेक करोगे तो भाई डायरेक्टली आपके अकाउंट को बैन कर दिया जाएगा, इस पे आप लोग को कोई भी माफी नहीं मिलेगा। तो ये बात याद रखना, आपके प्रोफाइल के बायो पे यहाँ पे हैक रिलेटेड कुछ भी यहाँ पे मत लिखना, पेड रैंक पुश, पेड हैकर ऐसा वगैरह कुछ भी मत लिखना, लिखोगे तो भाई आपका आईडी टाटा बाय बाय बोलना पड़ेगा। तो ये तो क्या गाइस हमारा आईडी की रियरिंग अपडेट। अभी गिल की रियरिंग भी एक अपडेट देता हूँ। तो गाइस गिल के लिए भी सेम यहाँ पे होने वाले, अगर आप लोग गिल के स्लोगन में या टाइटल पे आप लोग कोई भी अब्यूज वाला वर्ड या कुछ भी यहाँ पे उल्टा सीधा लिखते हो तो भाई आपके गिल को भी पनिशमेंट दिया जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपका गिल्ड एक लेवल के ऊपर है और अगर आप लोग पहली बार गलती करते हो तो आप लोग के गिल्ड का 10,000 स्कोर को यहाँ पे एवरी डे माइनस कर दिया जाएगा, और उसके बाद वापस करो तो आपके गिल्ड को यहाँ पे डिसबैंड कर दिया जाएगा। और ये सब जो पनिशमेंट है गाइस 25 अप्रैल से शुरू होने वाला है, तो आप लोग 25 अप्रैल के बाद आपके बायो पे कुछ भी उल्टा सीधा मत लिखना, लिखोगे तो भाई आप लोग का आईडी तो जाने ही वाला है और गिल्ड पे भी लिखोगे तो भाई आपका गिल्ड भी जाने वाला है। तो भाई ये सब गलती वापस मत करना, मैंने आप लोग को सारे जानकारी बता दिया। अगर आप लोग को फिर भी कुछ जानना है तो कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आप लोग को रिप्लाई जरूर करूंगा। लेकिन गाइस यहाँ पे गेम पे और एक दिक्कत होता है, बहुत लोग क्या करते हैं यहाँ पे ग्लिच यूज करके आप लोग को गेम पे मार देता है। अगर यहाँ पे कोई भी बंदा इन गेम कोई लूप या कोई भी ग्लिच का फायदा लेके आप लोग को हरा देता है या आप लोगों से जीत जाता है तो उसको भी यहाँ पे कुछ पनिशमेंट मिलेगा। पहली बार रूल ब्रेक करने पर आप लोग को डायरेक्टली यहाँ पे ब्रॉन्ज पे उतर देगा, और जब तक यहाँ पे नेक्स्ट ओबी अपडेट नहीं आता है आप लोग का आईडी को लॉक कर दिया जाएगा, मतलब बैन रहेगा, और आप लोग को रैंक से भी उतर दिया जाएगा। सिंपल से बात है गाइस, अगर आप लोग यहाँ पे ग्लिच यूज करते हुए पकड़े गए तो भाई आपके आईडी को 3 महीने के लिए बैन कर दिया जाएगा, और दोबारा सेम गलती करते हुए पकड़े गए तो भाई आपके अकाउंट को परमानेंटली यहाँ पे बैन कर दिया जाएगा। तो कोई भी यहाँ पे ग्लिच का यूज करके फायदा लेके भाई किसी को मत मारना। तो यहाँ पे OB44 अपडेट के बाद भाई गेम खेलना थोड़ा और भी मुश्किल होने वाला है, तो थोड़ा संभल के खेलना और भाई अनफेयर खेलना। और अभी बढ़ते हैं हमारे अगले अपडेट की तरफ। ये वाला अपडेट होने वाले गाइस हमारे गिल्ड वॉर को लेकर के, नेक्स्ट गिल्ड वॉर कब तक आएगा और इसके पे कुछ न्यू चेंजेस भी आने वाला है। सबसे पहले गाइस आप लोग को गिल्ड स्टोर के अंदर एक कटना एक्सचेंज करने के लिए मिलेगा जो भाई 7 दिन के लिए ट्रायल के लिए होगा। तो जी हाँ भाई, गिल्ड वाला जो कटना आने वाले आप लोग को परमानेंट नहीं मिलेगा, 7 दिन के लिए आप लोग ट्रायल के लिए यूज कर पाओगे। और इसी के साथ में पहले गिल्ड वॉर में भाई एक ही मैप आता था बरमूडा, लेकिन अभी अपडेट के बाद यहाँ पे 4 मैप आने वाले, जो मैप वगैरह आप लोग देख पा रहे हो और कमेंट करके बताना यहाँ पे कौन कौन सा मैप है, इन मैप का नाम जरूर कमेंट पे बताना। और गाइस यहाँ पे बात रही गिल्ड वॉर पे यहाँ पे हैकर आने की, तो अपडेट के बाद हैकर के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज किया गया है, तो गिल्ड वॉर पे अभी हैकर बहुत ही कमाने वाला है, अगर आएगा तो भाई फिर भी आप लोग रिपोर्ट कर देना। तो OB44 अपडेट के बाद गाइस गिल्ड के रेटिंग सारे चेंजेस आने वाले। अभी गाइस मैं आप लोग को ट्रेनिंग मोड का भी कुछ न्यू चेंजेस और अपडेट के बारे में बताता हूँ। तो गाइस यहाँ पे बीआर और सीएस में जैसे हम लोग अदर कैरेक्टर के स्किल कार्ड को यूज कर पाते हैं, ठीक किसी तरीके से ट्रेनिंग पे भी आप लोग इन स्किल कार्ड को भी परचेस कर पाओगे। तो जी हाँ गाइस, OB44 अपडेट के बाद अभी ट्रेनिंग पे भी आप लोग डुओ स्किल को यूज कर पाओगे। इसी के साथ में अगर आप लोग अपडेट के बाद ट्रेनिंग में किसी भी इनमी को मार देते हो उसके बाद आप लोग को टोटली एसपी गेन देखने के लिए मिल जाएगा। अभी तो भाई किसी को मार देते तो भाई एसपी नहीं मिलता, बट अपडेट के बाद किसी को मारेगा तो आप लोग का एसपी मिलने वाला है। तो और भाई लोग, अभी तक मैंने आप लोग को OB44 अपडेट की रिंग जितने सारे न्यू अपडेट के बारे में बताया, ये सारे अपडेट 17 अप्रैल के बाद से शुरू हो जाएगा। तो आप लोगों को इनमें से कौन सा अपडेट सबसे बेहतर लगा कॉमेंट करके जरूर बताना। बढ़ते हैं हमारा आज के वीडियो की आखिरी अपडेट की तरफ, जो होगा मैजिक क्यूब स्टोर अपडेट को लेकर। तो गाइस यहाँ पे 17 अप्रैल को हमारा मैजिक क्यूब स्टोर अपडेट होने वाला है, सुबह के 10 बजे अपडेट हो जाएगा। एंड इस बार के अपडेट में आप लोग को सिल्वर ये जो बंडल देख पा रहे हो इनक्यूबेटर का, ये मेल बंडल और फीमेल बंडल मिलने वाला है। और गाइस ये सब बंडल बहुत ही पुराना है एंड बहुत ही यूनिक है, बहुत लोगों के पास
होगा और बहुत लोगों के पास नहीं होगा। तो ये दोनों बंडल के साथ आप लोग को ये वाला बंडल भी मिलेगा जिसका नाम है ग्रूम बंडल, जो एक शादीशुदा बंडल है। और इसी के साथ में आप लोग को गॉथिक टेडी नाम का जो बंडल है फीमेल का, ये बंडल भी आप लोग को नेक्स्ट मैजिक क्यूब स्टोर के अंदर मिल जाएगा। तो अभी आप लोग यहाँ पे चार बंडल देखे, यहाँ पे और भी दो बंडल को ऐड किया जाएगा जो बंडल आप लोग देख पा रहे हो। तो जी गाइस, लॉलेस बैंडिट वाला जो फीमेल का बंडल आप लोग देख पा रहे हो, ये वाला बंडल को ऐड किया जाएगा। इसी के साथ में गाइस इसका मेल बंडल भी नेक्स्ट मैजिक क्यूब स्टोर में आ जाएगा। तो टोटल 6 बंडल दिखा दिया। इसी के साथ में और भी कुछ बंडल आने वाला है, जैसे कि सिल्वर ईगल बंडल, तो इस फीमेल बंडल को भी अपडेट के बाद ऐड किया जाने वाला है। तो कैसा लग रहा है आप लोग ये वाला बंडल जरूर बताना। और इसके बाद का जो बंडल होने वाले गाइस, होने वाले ग्रूम बंडल जो फीमेल का है, एंड इसके पहले तो मेल बंडल मैंने आप लोग को दिखा दिया था। तो टोटल गाइस अभी मैंने 8 बंडल आप लोग को दिखाया जो नेक्स्ट मैजिक क्यूब स्टोर में आने वाला है। और गाइस आखिरी जो दो बंडल होने वाले उनका रिव्यू भी आप देख पा रहे हो, इसका नाम फुल लेदर बंडल, तो ये फीमेल का बंडल भी ऐड होने वाला है नेक्स्ट मैजिक क्यूब स्टोर के अंदर। और इसी के साथ में आप लोग के यहाँ पे स्लेट टेरी नाम का ये मेल बंडल भी नेक्स्ट मैजिक क्यूब स्टोर पे मिल जाएगा। तो कुल मिला के गाइस गेम के अंदर 10 मैजिक क्यूब का बंडल आने वाले। आप लोग के सारे मैजिक क्यूब बंडल्स का रिव्यू कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताना, एंड ये सब बंडल आप लोग को 17 तारीख को एक्सचेंज करने के लिए मिल जाएगा। और गाइस यही था हमारा आज का अपडेट, उम्मीद करता हूं आप लोग को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। सो वीडियो को जरूर लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और गाइस आप लोग को पता है कितना ज्यादा गर्मी बढ़ गया है, और इस गर्मी में भाई पंखा बंद करके मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो इतना सपोर्ट तो कर देना कि भाई हमारा गर्मी दूर हो जाए। प्लीज सर वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए गाइस आज का वीडियो को लंबा ना करके भी खत्म करते हैं। तो चलिए बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट अपडेट के साथ।